तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इसमें मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था एक ब्लॉग्स बनाने में, ऐसे पहले से दो तीन ब्लॉग्स बना चुका हूँ कि जो कि मुझे टाइम नहीं मिलता था बनाने के लिए। मैं एक बाहर कंट्री में रहता हूँ जो कि मुझे हफ्ता में एक दिन छुट्टी मिलता है फ्राइडे को। तो मैं सोचा कि उस दिन हर दिन एक एक ब्लॉग्स बनाऊँगा। सो गाइस, आप लोग देखना चाहते हो तो मैं डेली बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं किधर का हूँ। तो मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम नसीम है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये ब्लॉग बनाना मुझे आता नहीं है, बल्कि मैं भी किसी का देख कर ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और किस तरह से बनता है। तो मैं कुछ, मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं कुछ टॉपिक पर बनाऊँगा। सो गाइस, मैं अपने बारे में ये बताकर ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ किस तरह से ब्लॉग बनाना तो बहुत मुश्किल है, पर बट जो नया बच्चे आदमी लोग ब्लॉग्स बनाते हैं उसके लिए, क्योंकि कैमरा के सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है, सबके बस की बात नहीं होता, इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब ब्लॉग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से बोलते हो और किस टॉपिक को लेकर बोलते हो, ये बहुत मायने रखता है। और सबसे पहले तो आप जो वीडियोस बनाते हो उसको एडिट करते हो, उस बैकग्राउंड में म्यूजिक किस तरह से लगाते हो, ये बहुत मायने रखता है कि आपके वीडियोस HD थोड़ा अपने लेवल से बनाते हो कि थोड़ा पब्लिक देखे कि अच्छे लगे वीडियो, हाँ ये अच्छे वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपके प्रोफाइल में घुस कर डेली आपका वीडियोस देखें। तो आज वीडियोस बनाने वाले के ऊपर होता है कि आप किस तरह से वीडियो बनाते हैं और किस तरह से बोलते हैं। सबसे पहले तो बोलने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप किस तरह से बोलते हो कैमरा के सामने और क्या बोलते हो और किस टॉपिक पर वीडियोस बनाते हो, सबसे पहले ये माइंड में रखते हो। तो मेरा कुछ खास नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम शुरू किया हूँ, इससे पहले दो तीन ब्लॉग्स बनाया हूँ और ये तीसरा ब्लॉग्स है, किस तरह से जाता है मालूम नहीं। तो आप अपने काम पर कितना फोकस करते हो ये बहुत ज़रूरी है कि आप, क्योंकि जो आप जो फील्ड में उतरते हो उस पर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये जितने नए लोग आते हैं यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाते हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो ब्लॉग्स बनाना शुरू करते हैं आप कंटिन्यू बनाते हैं, क्योंकि भले आपको व्यूज मिलता है या नहीं मिलता है, सब्सक्राइब मिलता है, अगर आप कंटिन्यू उस पर काम करोगे इंशाल्लाह जरूर आपका चैनल ग्रो होगा, क्योंकि खुद को बदलोगे किस्मत खुद को बदल जाएगा, क्योंकि आपको उस पर रेगुलर काम करना पड़ेगा। अब जो भी ब्लॉग्स बनाते हो जिसके ऊपर बनाते हो आपको रेगुलर उस पर काम करना पड़ेगा, ताकि आपका चैनल ग्रो हो सकते हैं। और मैं भी इस पर काम करता हूँ, तो मैं भी इस पर डेली पहले शॉर्ट वीडियो बहुत डाल चुका हूँ, जो सबसे जास्ती शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ। और मैं मुझे ब्लॉग्स बनाने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं सोचता हूँ कि डेली ब्लॉग्स बनाऊँ, मुझे डेली फुर्सत नहीं है क्योंकि मैं इधर काम करता हूँ, इसीलिए मुझे एक दिन हफ्ता में संडे को छुट्टी मिली, मैं सोचता हूँ कि उस दिन लाजिम की एक ब्लॉग्स डालूँ। सुबह मैं अपना ब्लॉग्स इस पर ख़त्म करता हूँ, आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट संडे।